हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो है ट्यूसडे का, यानी 30 जुलाई का, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं बर्तन लगा रही हूँ स्टैंड में, क्योंकि रात को बर्तन मैंने धो लिए थे सारे और प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया था। किचन वगैरह क्लीन करके ही सो रही हूँ मैं आजकल, ताकि सुबह में उठने में ज़्यादा हेडेक ना रहे, क्योंकि बर्तन रह जाता है ना तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपका बर्तन पे ही जाता है सुबह उठने के बाद में। तो इसलिए मैं आजकल बर्तन और पूरा गैस वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे 12 बज जाए, 12:30 हो जाए या 1 बज जाए, मैं पूरा क्लीन करके ही सो रही हूँ। और सुबह उठती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिलैक्स फील होता है जब आपका बर्तन धुला हुआ रहता है, किचन साफ़ किया हुआ रहता है। तो उसके बाद जो आपका डेली का रूटीन का काम है आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बर्तन रहता है तो लगता है कि एक्स्ट्रा काम आपका बड़ा हुआ है। और यहाँ पे चाय बनाना है मुझे, पर चाय बनाने से पहले मैं गैस और प्लेटफॉर्म को एक बार और साफ़ कर लूँगी। हालांकि मैंने रात में भी साफ़ किया है, पर अभी एक बार मैं फिर से साफ़ कर लेती हूँ सुबह में, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कीड़े मकोड़े घूमते ही रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि रात में कीड़े मकोड़े कहाँ कहाँ से गुजरे हों। तो इसी वजह से एक बार पोंछ लेना अच्छा रहता है, फिर आप निश्चिंत हो जाते हो कि कहीं भी कुछ भी रख के आप कुकिंग कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सुबह में एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। युवराज को ट्यूशन जाना है तो उनको उठाना पड़ेगा, पर चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद में उनको उठाएंगे। 9 बजे जाते हैं युवराज ट्यूशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 7:30 हो रहा है, ठीक, हाँ 7:30, 7:35 हो रहा है सुबह का। तो चाय रखी है, बर्तन लगा दिए स्टैंड में, काफ़ी बर्तन अभी सूखे नहीं हैं, जो नीचे नीचे के बर्तन थे वो सूखे नहीं हैं, जो ऊपर के थे वो सूख गए। बारिश का मौसम है ना तो ऐसे ही होता है, बर्तन अच्छे से सूखते नहीं हैं, तो जब तक सूखेंगे नहीं मैं लगाऊंगी नहीं, जितने सूखे थे उतने मैंने लगा दिए हैं। और कपड़े धोए थे कल के, देखो दिखाऊँ मैं, सूखे मतलब कल पूरे दिन बारिश हुई है, देखो पूरा कपड़ा गीला है, चद्दर आप देखो वहाँ से यहाँ तक, ये चद्दर, फिर वहाँ, और इस वाले पे पूरा यहाँ से वहाँ तक छोटे कपड़े हैं जो कि बिल्कुल सूखे नहीं है। चाय बन गई मेरी, बिल्कुल भी सूखे नहीं है, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई है। उठाए उसको, ट्यूशन जाना है उसको, उठाओ। चीनी डाल दो, चीनी नहीं डालो, ट्रैपोर्ट पे लगा दो भाई। और यहाँ पे मैं चाय में चीनी डाल रही हूँ, चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है उसके बाद में, क्योंकि चीनी डालने के बाद में मैं चाय को ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, अच्छे से उबाल लेती हूँ। चाय मतलब बन चुकी होती है उसके बाद में चीनी डाल के 1 से 2 उबाल लगाती हूँ, बस इतना ही, उसके बाद में मैं चाय छान लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसी चक्कर में ना चाय में चीनी नहीं होती, जब पीते हैं तो पता लगता है कि चाय फीकी है। और चाय के बिना तो दिन की शुरुआत तो मतलब सोच भी नहीं सकते, जब तक एक कप चाय ना मिले सुबह सुबह में तब तक ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है। चाय पियो तो फिर कोई काम करने का मन होता है, लगता है कि हाँ भाई अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा होता है मेरे साथ में, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ में ये होगा कि चाय के साथ में उनके दिन की शुरुआत होती होगी। हालांकि सुबह सुबह की चाय अच्छी नहीं होती है हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, पर क्योंकि नहीं पीते हैं तो आदत सी हो गई है, फिर काम भी नहीं होता है, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए एक कप चाय तो सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं कप में हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ और अपने लिए मैं ग्लास में निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई है ग्लास में पीने की। हालांकि नहीं पीना चाहिए, पर पता नहीं जब मैं घर पे होती हूँ ना तो मुझे मेरा हाथ कप के तरफ जाता ही नहीं है, ग्लास के तरफ ही जाता है खुद के लिए। पल्ली पल्ली ए पल्ली पल्ली मेरा पल्ला मेरा पल्ली मेरा ऐसा तो मेरा भी मन था जाने का, लेकिन मैं गंदा है।
और मैं वो वही लेके जाऊंगी। कहाँ, कौन सा बैग अंदर? उसको मैं साफ कर दूंगी। और आपका वो बैग धो के रखा है तो आप इसको, यही प्रॉब्लम ना जाने के 100 बहाने हैं। अरे 100 बहाने नहीं है, मेरे को यही बैग दो। हाँ यही मैं साफ कर देती हूँ, बाकी मैंने धो के रखा हुआ है वो वाला। हाँ मुझे पता है कि बारिश का मौसम है तो डबल चीजें होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो बैग धो के सुखा के रखा हुआ है, समझे कि नहीं? पूरे सालों ले गए थे ना, अभी इतना अच्छा ही है, उसको धो के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, नहीं बोलने से नहीं होता है भाई, स्कूल तो जाना पड़ेगा, ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। अच्छा तो नहीं चलेगा, नहीं भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। किसने बोला? अभी मैं प्यार से बोल रही हूँ, पापा बोलेंगे तो दूसरों से बोलेंगे, बता रही हूँ, इसलिए रेडी हो जा। दूध गर्म करके देख लू मेरी चाय ठंडी हो गई राजा। ओ राजू बेटू, आज ट्यूसडे हो गया, आज लास्ट डेट है ना, लास्ट है ना। पानी पियो तब तक मैं दूध गर्म कर रही हूँ। नहीं क्या होता है, नहीं 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 नहीं। अरे यार इसको किसने बताया ऐसा? मच्छर पहले थूकते हैं फिर खून चूसते हैं, इसको ये ज्ञान कौन दे रहा है, इतना डेंजरस वाला ज्ञान है, इतना भयंकर ज्ञान आपको कौन दे रहा है, बताओ कि जरा मुझे। ये तो किसी को भी नहीं पता था दुनिया में, इतना बड़ा ज्ञान तो किसी को नहीं पता था। अरे चलो चलो रेडी हो जाए, चलो लेट हो जाएगा, अब मम्मी लगेगी पूरे काम में, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बर्तन तो चलो धुल गए हैं तो बांधा नहीं, कपड़े आज हैं नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर हैं भी तो धोऊंगी नहीं, क्योंकि बाहर वाले सूखे ही नहीं। रात में पूरी रात बारिश हुई है, बालकनी पूरी गीली पड़ी थी, मैं उठी तो पूरी रात हुई है। हाँ तेज नहीं, तेज अब धीरे मुझे पता नहीं, पर हुई है, कपड़े सूखे नहीं है तो अभी निकालूंगी मशीन से, दो चार कपड़े डालूंगी कहाँ, आज धुलना ही नहीं है कपड़ा। खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, डिशुम डिशुम चोरी तो नहीं की है। चलो लेट हो जाएगा बेटा, प्लीज चल उठो। ना ना ऐसे नहीं चलेगा ना सोना, ना ऐसे लेटे रहने से थोड़ी आपका वो जाने से बच जाओगे आप। क्या घर में करने से नहीं होता है भाई, घर में करने के लिए। अम्मा आप बोल रहे हो मैं तो ट्यूशन में पीछे था, आपको लग रहा है मेरे को नहीं आता, मैम ने मेरे को पूरा, मैं जब एक नया लड़का आया ना उसको मैम मेरे को ही बोलती है करने के लिए, आपको बोलती है सिखाने के लिए, तो अच्छी बात है ना, और सीखो और सिखाओ लोगों को। मेरे को मैम ने सिखा दी इसके लिए, तो मेरे को बोलती थी उसने को सिखाने के लिए। हाँ तो अच्छा, पहले मेरा दोस्त था, मैं नहीं बोलती थी, मेरे साथ एक सेकंड में दोस्त है आपने होशियार बनाया उसको, तो और होशियार बनो लोगों को, और होशियार बनाओ। और राइटिंग में लिखा थे ना, राइटिंग पोस्ट कैसे लिखा। हाँ तो अच्छी बात है ना, अभी जितना सीखे उतना इनफ नहीं है, अभी सीखना पड़ता है लाइफ में बहुत कुछ। तो आपका क्या मतलब, अब ट्यूशन बंद करके एग्जाम तक नहीं जाओगे? मेरा ऐसा मतलब नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब है आज नहीं जाओगे? आज नहीं जा रहा, और घर में जब तक मेरा टाइम नहीं होता स्कूल 11:30 तक, अगर मैं बेड से उठ भी गया तो मेरे को उसी टाइम। मतलब क्या मतलब, आप घर में पढ़ना चाहते हो ऐसा बोल रहे हो? हाँ। नहीं पर ऐसा नहीं होता ना बेटा, ट्यूशन ट्यूशन होता है। जब मेरी बात सुनो ना,
बोलो। मैम ने मेरे को अच्छा कर दिया है यार। आपको अच्छा कर दिया है, आपको पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट बना दिया, ऐसा बोलना चाहते हो? तो अभी आपको और इंटेलिजेंट बनना है, अभी आपको और। तो क्या मतलब, आपने पढ़ ली, आपने आपका हो गया पढ़ाई लिखाई? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात मैम ने मैं लिखता हूँ ना, मैम ने मेरी राइटिंग भी अच्छी करवा दी और रीडिंग में भी अच्छी करवा दी। तो अच्छी बात है ना, तो और अच्छा करना है कि नहीं? तो मैं बिना क्वेश्चन कॉपी करते रहूँ, आंसर भी ना देते रहूँ, क्वेश्चन में कॉपी करूँ मैं? अच्छा, मैंने खुद को बोला था। नहीं बेटा, ट्यूशन जाके क्वेश्चन कॉपी करो, चाहे आंसर लिखो, जो मैम करवाएंगे वही करो। चलो ना बाबा, रेडी हो जाओ। चलो, मैंने वैसे भी मैम को बताया हुआ है। क्या कि मैम मैं अगर आऊँ ना, मैं लास्ट एग्जाम के लास्ट। तो बेटा आज लास्ट है, आज तो जाना पड़ेगा ना, कल के लिए बोलते तो अच्छा लगता। आज लास्ट है तो क्या करूँ, स्कूल तो जा रहा हूँ मैं, क्या इतना बड़ा सिखा लेंगे आधे घंटे में? नहीं अभी टाइम बहुत है, 11 बजे आओगे, 9 बजे रह जाओ। नहीं रेडी हो जाओ, मैं घर पे कर रहा हूँ। चलो चलो अपना, नहीं इसको बोलो यार, ये मेरे प्यार की भाषा नहीं समझ रहा, जब से इसको मैं मना रही नहीं मान रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं ट्यूशन जाके बैकपैक बाबू बैकपैक करो। अरे यहाँ पर कर रहा हूँ, कर रहे हो? नहीं घर में करना होता तो ट्यूशन क्यों रखते भाई? मैं बताता हूँ आपको। ना ना चलो, क्या प्रॉब्लम है? मैम मारती है, मैम क्या करती है? ट्यूशन जाने करके बोलो कि ये ट्यूशन आने के लिए ना बोलता, बस और कुछ नहीं। नहीं क्या दिक्कत है, ट्यूशन जाने के नाम से डर क्यों रहे हो इतना? ये क्या दिक्कत है? मेरे को प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम है आपको ट्यूशन में? कोई कुछ प्रॉब्लम है? मैम मारती है, डांटती है, पनिश करती है, क्या करती है बोलो मेरे को, क्या प्रॉब्लम है आपको ट्यूशन जाने से? क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है बताओ कि जरा, ट्यूशन जाने से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मैम कुछ बोलती हैं आपको, मारती हैं आपको, तो काहे लिए ऐसा करो? इतना प्यार से, इतना लाड़ से इसको हैंडल करती हैं, इतना समझाती हैं, फिर भी इसको नौटंकी हो रखा है। चलो अब भैया, मेरा नाम सब्र का बांध टूट रहा है, सही बता रही हूँ, प्यार मोहब्बत बहुत हो गई। चलो अब रेडी हो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चलो। नहीं नहीं क्या होता है, नहीं ट्यूशन ना जाने के लिए ट्यूशन नहीं जाना पड़े इसलिए नोट बुक खोल के बैठ गया घर पे पढ़ने के लिए। बोलो तो पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं घर पे नहीं मैं। बाबू घर की पढ़ाई के लिए टाइम अलग होता है। बताओ चैप्टर 9 है, करी इतना पेज मैं 10 आ गया। देखो पापा गुस्सा करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, जब से मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ। फिर चलो चलो रेडी हो जाओ, आप सुन नहीं रहे हो। ना ना क्या होता है भाई, चलो तो सही ना, घर पे करने से होता नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मेरी बात सुन लो। आपको मेरा भी एक काम करना पड़ेगा, करोगे? मैं अभी तैयार तो हो जा रहा हूँ, लेकिन आप मैम को फोन करके बोलो क्या कि अगर मैं ट्यूशन नहीं गया तो डांटना मत। नहीं डांटूंगी, डांटती है हमें, बोल दूंगी अभी, बोलो हमें जाऊंगा हमें। अच्छा तो डांटती है ना, मारती थोड़ी है, डांट तो पड़ेगी ना बेटा, गलत करेगा तो। नहीं आप खाली बोलो, काम ही ऐसा मत करो, डांटना पड़े बेटा, चले जाना था कर। बोलना मैम उस टाइम बारिश आ रही थी, हाँ मैंने नहीं भेजा था ना बेटा, बोलना कि मैम उसी टाइम जोरदार बारिश आ रही थी इसीलिए नहीं आया, ऐसे मम्मी ने भेजा नहीं, ऐसे बोलना, बोलना कि मम्मी ने नहीं भेजा, ऐसे बोलना, ये मत बोलना कि मैं नहीं आया।
बोला मैम बारिश हो रही थी उसी टाइम में जिस टाइम मैं घर से निकलने वाला था उसी टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मम्मी ने नहीं भेजा कल सुबह। हाँ तभी तो नहीं भेजा था कुछ पप्पा से, कल सुबह सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज वाली, इसीलिए नहीं भेजा था ना बेटा। कल तो आप उठ भी गए थे ट्यूशन का टाइम पे, बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी इसलिए नहीं भेजा था। पापा भी लेके जाते या फिर आप साइकिल से जाते तो भी गीले हो जाते इसीलिए। चलो आज तो ऐसा बोल देना, मेरे को बोलना कि मम्मी ने नहीं भेजा था तो कुछ नहीं बोलेंगी। चलो जब रेडी हो जाते, लेट हो रहा है वैसे, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। बाबू बैग पैक करो, आज जिस चीज़ का एग्जाम है बस वही ले जाना, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं ले जाना। क्या है आज, क्या लास्ट क्या है आज बाबू, आज क्या है? सर्दी हो रखी है, इसकी सर्दी जाती नहीं है, इसकी इसकी छलती जाती नहीं है, गीला होने का शौक पड़ा है, जब देखो बारिश में गीला होना है। तो क्या करें, इसका एग्जाम है आज, जनरल नॉलेज। बैग पैक करो, ट्यूशन का नोटबुक रखो, ये रखो, बस दो ही तीन ले जाना, ज़्यादा ही ले देना, आज जो टेस्ट है बस वही ले जाना। चलो चलो चलो, इसलिए ना बोल रहे थे मैम डांटेगी, बोलना मम्मी मम्मी से बोलना मम्मी ने नहीं भेजा था क्योंकि कल तेज बारिश आ रही थी इसलिए मम्मी ने मना कर दिया था, ऐसे बोल देना तो नहीं डांटेंगी मैम। चलो मैं दूध गर्म करूँ, आप जल्दी से ट्राउजर पहनो या जीन्स पहन लो, ये रखा जीन्स। हाँ आज नहीं देना है बेटा, रेडी हो बाबू, लेट हो रहा है ना। बाबू लेट हो रहा है, सच बता रही मैं, टाइम पास करने से नहीं होगा सोना, आपको जाना पड़ेगा ठीक है। अटेस्ट स्कूल नहीं जाएगा मतलब ट्यूशन जाएगा तो स्कूल, स्कूल जाएगा तो ट्यूशन नहीं, ये क्या ड्रामा है भाई, हैं ऐसे कैसे चलेगा। चलो रेडी हो जाओ फटाफट। फाइनली युवराज ट्यूशन जा चुके हैं, मतलब पता नहीं आज क्यों सुबह उनका मूड नहीं था ट्यूशन जाने का, हालांकि ऐसे कभी करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, पर मैं बताऊँ ना तो मौसम भी ऐसा हो रखा है कि उठने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है बस खाओ पियो सोए रहो, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है तो सुबह सुबह उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर काम जो है वो तो करना ही है। और क्योंकि अभी युवराज के टेस्ट चल रहे हैं, मंथली टेस्ट जो होते हैं ना वो चल रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से तो भेजना ही था कि भाई जाओ, कल भी नहीं गए थे एक्चुअली, कल ऐसा हुआ ना कि बारिश उसी टाइम पे आ रही थी, बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही थी, मूसलाधार बारिश आ रही थी, तो फिर मैंने ही नहीं भेजा कि चलेगा ठीक है। अब कल नहीं गए थे तो शायद इनको ऐसा था कि आज जाने के बाद में मैम डांटेंगी, तो वो तो देखो डांट तो पड़नी ही है जब तक पेरेंट्स बात ना करें कि किस वजह से, वजह ना बताएं जब तक टीचर्स को, तो वो तो डांट पड़नी ही है स्टूडेंट्स को, तो वही बोल रहे थे मुझे क्या फ़ोन करके बोल दो मैम को कि कल मैंने नहीं भेजा था, तो मतलब ऐसा होता है बच्चे थोड़ा बहुत, देखो टीचर को ना स्ट्रिक्ट रहना भी पड़ता है नहीं तो बच्चे फिर सर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ में नाश्ता भी बना रही हूँ और खाने की भी तैयारी मैंने कर ली है, मतलब दाल मैंने रख दिया है कुकर में उबलने के लिए, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिल्ला, बहुत ही टेस्टी ये चिल्ला बना था। मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाले हैं इसके घोल में, मतलब आटा और बेसन से मैं बना रही हूँ, आधा आटा है और आधा बेसन है,
और इसमें मैंने ऐड किया है प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, सबको पेस्ट बना के मैंने ऐड किया है, बारीक सा पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर दिया था। साथ में फिर मैंने डाला था हल्दी और सूखे मसाले, मतलब सूखे मसाले में आप भुना जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो या फिर धनिया पाउडर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में घोल बना के आपको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाए बेसन और जो आटा है, और उसके बाद में इस तरीके से चिल्ला बना लेंगे जो कि सुबह सुबह के नाश्ते में मतलब ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, सबको पसंद भी आता है और बनाने में ज़्यादा तामझाम भी नहीं है तो बहुत अच्छे से लोग खा लेते हैं। मेरे घर में सबको पसंद आया था और ये बच्चों के टिफ़िन में भी दिया जा सकता है, कभी कभी मैं युवराज को देती हूँ सॉस के साथ में तो पूरा डब्बा ख़त्म करके आते हैं, मतलब फिनिश करके आते हैं, और वहीं मैं रोटी सब्जी देती हूँ तो फिर उनका डब्बा खाली नहीं होता है, थोड़ा बहुत रह ही जाता है, मतलब आधी एक रोटी रह ही जाती है, दो रोटी में देती हूँ तो आधी या एक तो रह ही जाती है। दूध गरम डाल रही हूँ, गरम हो जाएगा। तुम भी यार, बस बस बस, कि दो ही बूंद ज़्यादा नहीं। पूरी इनसे ले लो, रात गाय बेचारी दो रोटी खाए पेट भर गया बेचारी का, दो रोटी से तो क्या ही होगा लेकिन गरम डकार रही थी बेचारी भूख के मारे। हाँ, अब काफी दिन में डाल के आती हूँ, दो तीन दिन वहीं पड़ा रहता है तो मेरे को ऐसे अनाज सड़ जा रहा है। पर कल मैंने थोड़ा बहुत सब्जी का कतरन था वही फेंका और प्लास्टिक बेचारी वो खाने लग गई थी तो फिर मैंने डाला, आने लगी है। हाँ। इतना भारी क्यों कर रखा है? है? इतना भारी? टेक्स्टबुक है ना? टाइम टेबल के हिसाब से ज्यादा ही ले जाते हैं? नहीं, टाइम टेबल के रखा है। हाँ, लो लो पकड़ो। हम खाली यार अंदर नहीं आओ। अच्छा ठीक है। लाओ कैमरा लेकर आने को जाते हैं। सब रख लिया है? हाँ। जय माता दी। माँ उधर खड़े रहो। है ना? मेरी बात सुनो, पहले बोतल को वहाँ से लगा लेना साइकिल। अरे निकलती नहीं है। रुक 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 जा। हेलो गाइस, वेलकम। जाओ पहले गैलरी में जाके खड़े हो। हाँ खड़ी हो रही हूँ, चलो बाय कर दो आपको तो गैलरी में खड़े हो। आराम से जाना। कैमरा लेके जाओ, पहले कैमरा ले। अरे पर आपको बाय तो कर दो यहाँ पे। बाय, जय माता जी। अच्छा जा, फॉर्म में ले जाना, आराम से जाना। और यहाँ युवराज निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और युवराज के जाने के बाद में ही मैं नहाना धोना करती हूँ। थोड़ा बहुत मेरा जो एडिटिंग का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाना धोना करती हूँ क्योंकि सुबह का पूजा पाठ हस्बैंड कर लेते हैं, मैं शाम को आरती करती हूँ। और यहाँ मैंने स्लो मोशन किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कब कैमरे के आगे आ गए थे युवराज।